दोस्तों नमस्कार। आपके डॉग को अगर गर्मी लग रही है या आप चाहते हैं कि उसको गर्मी ना लगे यानी कि हीट स्ट्रेस में नहीं आए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लक्षण बताए थे जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका डॉग कहीं हीट स्ट्रेस में तो नहीं है। तो जो लक्षण बताए थे तो कई भाइयों ने कमेंट किए थे कि सर हमें इलाज भी बताइए ताकि हम हीट स्ट्रेस को ही वहीं पर कंट्रोल कर लें। याद रहे ये हीट स्ट्रेस ही है जो आगे जाकर के हीट स्ट्रोक में बदल जाता है और हीट स्ट्रोक आपके डॉग के लिए जानलेवा होता है। तो जो हीट स्ट्रेस की अवस्था है उसी अवस्था से आप रोक दीजिए ताकि आगे बात बढ़े ही ना। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉग्स गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो हीट स्ट्रोक में चेंज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पेंटिंग के साथ साथ उन्हें सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं और सीजर्स आकर के मौत हो जाती है। तो भाई ध्यान रखिए, पहले से ही अगर कंट्रोल करेंगे तो आप अपने डॉग को पहली बात गर्मी लगने ही नहीं देंगे, दूसरी बात अगर गर्मी लग भी गई है थोड़ी बहुत यानी जो लक्षण दिखा रहा है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि डॉग्स में आपको पता है कि स्वीट ग्लैंड्स होती नहीं है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है और पेंटिंग करते हैं, हाँपते हैं, ज़मीन पर लेट करके हमेशा पड़े रहते हैं, गर्म जो माहौल है उससे दूर भागते हैं, ठंडी जगह बैठने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा जहाँ पर भी पानी मिलता है तो पानी में बैठने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम आ रहे हैं तो भाई आप तुरंत ही तैयार हो जाइए कि आपको क्या करना है। आपको उसे कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए देनी है, ऐसी कुछ प्रबंध करने हैं ताकि जो गर्मी लग रही है वो ना लगे। नंबर वन प्रबंध आप ये करें कि उसे कभी भी ज़्यादा एक्सरसाइज ना करवाएं। अगर आप उसे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं या एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग, धूप निकलने से पहले पहले, या फिर लेट नाइट जो रात का 10 बजे का समय होता है उस समय आप उसे घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो गर्मी की अवस्थाएं हैं वो ज़्यादा घेर सकती है। ठंडे मौसम में ही आप एक्सरसाइज करवाइए तो बहुत ही शानदार रहेगा। नंबर टू चीज़ जो है वो है फ्रेंड नहलाना। नहलाने का भी एक विशेष रोल होता है गर्मी को कंट्रोल करने में। तो आप विशेष ध्यान दें कि आप अपने डॉग को सप्ताह में 2 बार जरूर नहलाइए, 2 बार नहीं तो 1 बार तो नहलाना ही लेना है, और अगर 2 बार नहलाते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। नहलाते समय भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कर्ड होता है दही, उसे अगर आप उसके कोट पर लगाएंगे, उसके स्किन पे लगा करके 5 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद उसे नहलाते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रहता है, बहुत गजब का रहता है गर्मी के मौसम में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्रबंध आप खाने वाले भी कर सकते हैं कि आप खिलाएंगे क्या। देखिए खिलाने में अभी गर्मी के मौसम में वाटरमेलन मिलेगा, भाई वाटरमेलन डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देगा और बहुत ही शानदार एनर्जी टॉनिक है। तो आप वाटरमेलन ज़रूर खिलाइए, बीज और छिलके अलग कर दीजिए और वाटरमेलन को आप अपने डॉग को खिलाइए तो गर्मी से बचाव करेगा। इसके अलावा आप कर्ड यानी दही खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, एक बार तो देना ही देना है सुबह के समय, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दही दीजिए, छाछ पिलाइए उसे, छाछ भी बहुत ही शानदार रहती है, तो दही और छाछ उसके खाने में आप ज़रूर ऐड कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा आप उसे खाने में गोंद कतीरे का इस्तेमाल करें। अब आप कहोगे सब खाएगा नहीं, लेकिन जो पानी उसे पिलाया जा रहा है उस पानी में गोंद कतीरा के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, उस पानी में 1-2 घंटा रख दीजिए, पानी को ठंडा ही रखना है, ज़्यादा ध्यान रखें कि जैसा हम पीते हैं उससे थोड़ा सा ही हो तो चलेगा, बाकी ठंडा ही पिलाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आइस क्यूब, ये बहुत ही शानदार रहता है, बर्फ के टुकड़े उसे चाटने के लिए दीजिए, वो बहुत अच्छी तरीके से चाटेगा और भाई जो कंडीशन हुई है हीट स्ट्रेस वाली उसे कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा एक गलती मैं देख रहा हूँ पेट ओनर्स अक्सर करते हैं कि जो लॉन्ग कोट है या जो शॉर्ट कोट भी हैं उनको ट्रिम कर देते हैं यानी बाल काट देते हैं गर्मी के मौसम में। भाई मत कीजिए, इनमें स्वीट ग्लैंड नहीं होती है, पसीना नहीं आता है, आप बालों को मत काटिए, ये नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए। तो बाल जो है वो एक ऐसा वेंटिलेशन बनाते हैं जिससे गर्मी से बचाव होता है, उल्टा नुकसान नहीं होता, तो इसीलिए आप ट्रिमिंग में बिल्कुल नहीं करें। ये कुछ उपाय मेरे मन में आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिए जाएँ कि ये किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी पेट ओनर्स हैं, हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर फ्री लाइव सेशन रखा है,
जो काउ बफेलो सेशन है उसी में हमने सारी जो फ्री लाइव है वो रखा है। आपके जो भी प्रश्न है, छोटा मोटा जो भी दिक्कतें आपको आ रही है, वहाँ फ्री लाइव को आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू हो गया है और एक दो लाइव वहाँ पर हो भी चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द फ्री लाइव को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को वहाँ पर लिख दीजिए रामावत एनिमल ऐप पर।